हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, शियायु काफ़ी गुस्से में आ जाती है एंड वो तेंगसिंग से कहती है कि मू तेंगसिंग लिंगली की मनी में इंटरेस्टेड है, इसीलिए उसने मेरे ब्रदर को धोखा दिया है। और लिंगली, तुम भी इस रिश्ते को आगे बढ़ा रहे हो, क्या तुम्हें शर्मिंदगी महसूस नहीं होती है? अगर आपको थोड़ी सी भी शर्म आ रही है तो तेंगसिंग को मेरे ब्रदर को वापस कर दो। तभी अर्जुन शियायु की तरफ घूर कर देखता है एंड हंसने लगता है। हंसते हुए वो झाओरन से कहता है कि इस तरह की अनाड़ी और मूर्ख लड़की मैंने पहली बार देखी है। एंड तभी झाओरन अपने पॉकेट में से कुछ निकालने लगता है। शियायु को लगता है कि वो एक चाकू निकाल रहा है और मुझ पर वार करेगा, इसीलिए वो अपने फादर के पीछे छिप जाती है। एंड वो अपने पापा से कहती है, डैड, ये मुझे चाकू से वार करने वाले हैं, आप मुझे बचा लीजिए। तेंगसिंग शियायु को इस तरह देखकर सोचती है कि शाओलोंग की लाइफ इतनी बुरी हालात में है, वो जिंदगी और मौत से लड़ रहा है और शियायु एक चाकू से बचने के लिए अपने फादर के पीछे छिप रही है और इस तरह की बातें कर रही है। एंड फिर वो लिंगली की तरफ देखती है। वो सोचती है कि मैं लाइफ टाइम लिंगली के साथ बहुत अच्छे से रहूंगी और खुश रहूंगी, और अगर लिंगली कभी भी लाइफ में चल नहीं पाएगा फिर भी मैं उसका ऐसे ही साथ देती रहूंगी और कभी भी उसका हाथ नहीं छोड़ूंगी। एंड तभी अर्जुन कहता है कि अगर मिस मू तेंगसिंग मिस्टर लिंग से शादी करेंगी तो फिर हम एक फैमिली बन जाएंगे, और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे बताने में हेजिटेट मत करना। तभी शाओलोंग के फादर कहते हैं, मिस्टर नी, मेरा बेटा शाओलोंग वो बहुत बदतमीज है, मुझे पता है, लेकिन क्या आप उसकी मदद कर सकते हैं? मेरी बेटी भी काफी नादान है, उसने बहुत कुछ बोल दिया है आपके बारे में, लेकिन मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मेरे बेटे को बचा लें। एंड तभी मू तेंगसिंग के फादर कहते हैं, मिस्टर नी ने ये कहा है कि अगर मू तेंगसिंग और मिस्टर लिंगली की शादी होगी तभी वो हमारी हेल्प कर सकेंगे। एंड तेंगसिंग की मदर तेंगसिंग से पूछती है, तेंगसिंग, तुमने क्या सोचा है, क्या तुम शादी करोगी? तेंगसिंग कहती है, हाँ, मैंने सोच लिया है, मैं अपनी पूरी लाइफ लिंगली के साथ रहना चाहती हूँ। एंड तभी तेंगसिंग की मदर असहाय होकर बैठ जाती हैं एंड सोचती हैं कि तुमने डिसाइड कर लिया है। एंड तेंगसिंग के फादर कहते हैं कि शादी को लेकर हम कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं। यजुन कहता है कि अच्छा, बताइए कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। एंड तभी तेंगसिंग की मदर कहती हैं कि तेंगसिंग की हैप्पी मैरिज लाइफ के लिए मैंने एग्रीमेंट तैयार किया है। एंड फिर वो उस एग्रीमेंट को लिंगली को दे दिया जाता है। लिंगली उस एग्रीमेंट को ले लेता है। तेंगसिंग कहती है, लिंगली, क्या तुम ऐसा करोगे? एंड अब तेंगसिंग की मदर की रिक्वायरमेंट शुरू हो जाती हैं। वो कहती हैं, जीवे प्लेस जो कि लिंगली के नाम है उसमें तेंगसिंग का नाम भी ऐड होना चाहिए, और अगर फ्यूचर में तुम तेंगसिंग से डिवोर्स लेते हो तो जीवे का आधा प्लेस तेंगसिंग के नाम होगा, और अगर शादी के 3 साल बाद भी लिंगली का कोई चिल्ड्रन नहीं होता है तो लिंगली को तेंगसिंग को डिवोर्स देना होगा, और उससे पहले दिए हुए बेट्रोथल गिफ्ट भी वो हमारे पास रहेंगे। एंड तभी तेंगसिंग खड़ी होती है। वो चिल्लाते हुए कहती है, बॉम, आप ये क्या बोल रही हैं, ये सिचुएशन तो काफ़ी क्रिटिकल है। एंड यहाँ पर अर्जुन सोचता है कि तेंगसिंग की मदर ने पहले से ही सब कुछ प्लान बना के रखा है, फ्यूचर में उन्हें कैसे डिवोर्स दिलाना है ये भी सोच के रखा है, और तो और लिंगली की आधी प्रॉपर्टी तेंगसिंग के नाम करने का सोच लिया है। और रही बात चिल्ड्रन की, तो उन्हें अच्छे से पता है कि लिंगली की लोअर बॉडी बिल्कुल भी काम नहीं करती है। इस रिक्वायरमेंट के जरिए वो साफ साफ बोलना चाहती हैं कि शादी के बाद भी तेंगसिंग को लिंगली के साथ नहीं रहने देंगी, और वो नहीं चाहती हैं कि ये दोनों फ्यूचर में साथ रहें। लिंगली उनकी रिक्वायरमेंट सुनकर हंसने लगता है। हंसते हुए वो पेपर उठाता है एंड पेपर पर वो साइन करने लगता है। वो सब लोग लिंगली को एक क्यूरियोसिटी के साथ देख रहे होते हैं। लिंगली पेपर पर साइन कर देता है, उसमें लिखा था एग्री, यानी कि लिंगली सारी कंडीशंस को एग्री करता है। एंड फिर यजुन सोचता है, लिंगली, क्या तुम सच में ये कर पाओगे? एंड फिर यजुन तेंगसिंग की मदर को बताते हुए कहता है कि आपकी जो रिक्वायरमेंट थी वो सिंपल थी, लिंगली की प्रॉपर्टी पर आधा हक तेंगसिंग का होगा, और शादी के 3 साल बाद अगर कोई चिल्ड्रन नहीं होता है तो वो तेंगसिंग को डिवोर्स दे देगा। तेंगसिंग सोचती है, एक्चुअली लिंगली सारी कंडीशंस को लेकर एग्री हो गया है। एंड फिर लिंगली उसकी हाथ पकड़ को अपनी तरफ खींचता है एंड उसे गले लगा लेता है।
एंड उसके चीक्स पर एक वार्म किस करता है। उसके मदर फादर वहां पर सामने ही बैठे हुए थे, लेकिन उन दोनों से लिंगली को लगता है कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। एंड वो दोनों देख सकते थे कि लिंगली तैंग सिंह को कितना चाहता है। तैंग सिंह अपने मदर फादर से कहती है, मॉम डैड मैं लिंगली के साथ रहना चाहती हूँ। तभी शाओलोंग के फादर कहते हैं, क्या साथ रहना चाहते हैं? अब आप दोनों तो साथ ही रह सकते हैं जब मिस्टर लिंगली ने आपके एग्रीमेंट को स्वीकार कर लिया है, तो फिर अब आपको पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड तैंग सिंह के फादर कहते हैं, ठीक है, जब तक लिंगली मेरे डॉटर के साथ अच्छे से पेश आता है तब तक मैं इस शादी के लिए एग्री करता हूँ। एंड वो लिंगली को वो एग्रीमेंट देते हुए कहते हैं कि ये हमने लिखा है, एक बार इसे आप देख लीजिए, क्या ये ठीक है? लिंगली उस एग्रीमेंट को देखकर हाँ में अपना सिर हिलाता है। एंड फिर झाओ रैन वो एग्रीमेंट मिस मू यानी कि तैंग सिंह की मदर को देते हुए कहते हैं कि इसको आप अपने पास रखिए, यहाँ पर गवाह के तौर पर शाओलोंग के फादर एंड मिस्टर नी है। एंड यहाँ पर तैंग सिंह और लिंगली एक दूसरे की तरफ देखे जा रहे थे। कुछ देर बाद वो लोग डिनर करने लगते हैं। लिंगली और तैंग सिंह साथ में बैठे हुए थे एंड लिंगली अपना खाना तैंग सिंह को दिए जा रहा था एंड वो खिलाया जा रहा था। एंड तैंग सिंह की मदर सोचती हैं कि लिंगली एक ऐसा लड़का है जो मेरी डॉटर को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से भी ज्यादा चाहता है। एंड यहाँ पर शाओलोंग के फादर कहते हैं, मिस्टर नी अब जब इन दोनों की इंगेजमेंट सेटल हो चुकी है तो फिर मेरे बेटे के बारे में। तभी यजुन कहता है, आप चिंता मत कीजिए, हमारा डिनर खत्म होते ही मैंग शाओलोंग यहाँ पर आ जाएगा। एंड तभी वहाँ से मैंग शाओलोंग चिल्लाते हुए आ रहा होता है। वो कहता है, तैंग सिंह तुम शादी नहीं कर सकती हो। सो ओके गाइस, ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। एक्चुअली मुझे कोल्ड हो गया था तो हो सकता है मेरी वॉइस अच्छी ना आ रही हो, बट मैंने कोशिश की ये वीडियो रिकॉर्ड करने की। सो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।